बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनकशाफ। और इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके खोकरा पार में। और जिस कहानी को मैं कवर करने आया हूं वो हम सब के लिए बहुत एक आम सी बात है और वो है मोबाइल स्नैचिंग की। कराची में हर दूसरा इंसान जो है मोबाइल स्नैचिंग का शिकार हो चुका है। और अगर मैं अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाऊँ या मैं अपनी फैमिली की तरफ देखता हूँ तो एवरेज मैं जो मेरे जानने वाले हैं एटलीस्ट 3 फ़ोन तो उनके छिन चुके होंगे। तो अब फ़ोन छीना जाना कराची में इतनी बड़ी बात नहीं समझी जाती, लेकिन हम अक्सर अखबारों में ये भी पढ़ते हैं कि जब कोई मोबाइल स्नैचर आता है और आप मुज़ाहमत करते हैं तो वो आपकी जान लेने से भी दरेग नहीं करता। जब किसी एक बेकसूर इंसान की जान सिर्फ़ एक छोटे से मोबाइल की स्नैचिंग में चली जाती है तो फिर उसकी फैमिली के साथ क्या गुजरती है। और मैं जिस फैमिली के पास जा रहा हूँ उनके साथ ये वाक़ा तो मेमन गोट में हुआ था, लेकिन वो खौफ की वजह से तो खोखरा पार में मुकीम है। बहनों के सामने भाई को मौत के घाट उतार दिया गया। अब क्या हुआ उस फैमिली के साथ, आइए उनके पास चलते हैं और सारे अहवाल उन्हीं से जानते हैं। शहर कायद का कौन सा बासी होगा जो मोबाइल स्नैचिंग का शिकार ना हुआ हो। डाकू बड़े आराम से आते हैं, पिस्टल दिखाते हैं और मोबाइल ले जाते हैं। सोशल मीडिया मोबाइल स्नैचिंग की ऐसी वारदातों की वीडियो से भरा पड़ा है। खौफनाक बात यह है कि मोबाइल स्नैचिंग की ये वारदातें अब खूनी रूप धार रही हैं। बेरहम डाकू हल्की सी ताखीर या हल्की सी मुजाहमत का जवाब गोलियों से देते हैं। ये वीडियो तड़पा देने वाली है। खून में डूबा ये नौजवान कराची का रिहायशी अब्दुल वाहिद है। अगरचे डाकुओं की बेरहम गोली का निशाना बनने के बाद ये अभी होश में है और बातचीत भी कर रहा है, लेकिन वुरसा को क्या खबर थी कि वो बस चंद लम्हों का मेहमान है। इस खानदान पर कैसे टूटी ये कयामत? मुजाहमत बनी कत्ल का सबब या किसी और बात ने डाकुओं को किया गजबनाक? बहनों और भाई के सामने तड़पता रहा नौजवान, लेकिन क्यों ना हो सकी जख्मी की बरवक्त तिब्बी इमदाद। एम्बुलेंस में कोई ऑक्सीजन वगैरह का इंतजाम नहीं था, उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं मिली उन्हें, अगर उसमें भी मिल जाती तो शायद बच जाती। कराची के इस खानदान को मेमन गोट से खोकरा पार क्यों मुंतकिल होना पड़ा? उस वक्त किस मुश्किल ने घेरा इस गरीब फैमिली को? कराची में मोबाइल स्नैचिंग और स्ट्रीट क्राइम की वारदातें क्यों एक बार फिर सर उठा रही हैं? काय की खोज में निकली है टीम इनकशाफ। मौजूद हूँ विक्टिम फैमिली के साथ। इनके भाई अब्दुल वाहिद को मोबाइल स्नैचिंग के दौरान इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। इस वक्त उनके भाई खालिद मेरे साथ, उनकी बहन नौशीन है और उनकी फुपो यहाँ पर मौजूद हैं। और पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं इनकी फैमिली के हवाले से, फिर मैं इनसे ये सवाल जरूर करूँगा कि आखिर ये खौफजदा क्यों है, क्योंकि इनका घर मेमन गोट में है और इस वक्त ये यहाँ पर हैं खोखरा पार में। बुराई इनके साथ हुई है, गलत इनके साथ हुआ है, नुकसान इनको पहुंचाया गया है, जान इनके घर में से किसी गई है, तो फिर भी यही खौफजदा हैं। कानून कहाँ है, कानून के रखवाले किधर हैं, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले खालिद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खालिद क्या करते हैं आप? मैं सेल्समैन ही करता हूँ, पापड़ों में। सेल्समैन हैं आप? और जो आपके भाई अब्दुल वाहिद थे वो क्या करते थे? वो फेस वॉश करने सेल्स ऑफिसर थे। वो भी सेल्स में थे। तो आप लोग कितने बहन भाई हो? 4 भाई हैं, 2 बहनें। 4 भाई और 2 बहनें। 2 बहनें। और आप मेमन गोट में कब से मुकीम हो? ये तकरीबन 2 साल से ये यहाँ, ये घर की कंडीशन ऐसी ही थी तो भाई इनको वहाँ लेके था, ताकि वहाँ वाले घर पे इस वजह से लेकर थे कि ये लोग सेफ रहे और किराए पे चले गए थे, यहाँ ना कोई आ सकता था जा सकता था। अच्छा, ये आपका भाई घर इसमें यहीं पैदा हुआ? अच्छा, यहीं पर आप लोग खेले कूदे बड़े हुए, लेकिन उसके बाद आप लोग मेमन गोट में जी चले गए? यहाँ ना पानी की बहुत सही प्रॉब्लम, पानी की जरूरत नहीं है। जो कराची में हर दूसरी जगह पर प्रॉब्लम है वो यहाँ सारी प्रॉब्लम यहाँ पर मौजूद थी। मसाइल के अंबार लगे हैं आम आदमी के लिए। गर्मी के साथ कहीं लोड शेडिंग का अजाब, कहीं पानी की बूंद बूंद को तरसते शहरी, महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के साथ साथ अमनो अमान की खराब सूरत हाल। शहरी तड़पे नहीं तो क्या करें? आप बहन भाइयों में अब्दुल वाहिद का नंबर कौन सा था? सबसे छोटा था। सबसे छोटा था। सबसे छोटा था। क्या उम्र थी उसकी? 30 साल होगी। अच्छा, तो वो शादी शुदा था? नहीं। ठीक, तो आप बहन भाइयों में शादी किस चीज़ की होगी? है मेरी हुई है और मेरे से एक छोटा भाई है, 30 नंबर उसकी हुई है। तो अब उस वाले घर में कौन कौन मुकीम था मेमन गोट वाले में? एक भाई था, एक बहन थी, तो अब्दुल वाहिद खुद था और वालदा थी, वाली था। उनको यहाँ से वो ले गया था कि यहाँ पानी की परेशानी थी, बहुत सारे प्रॉब्लम थे किराए के ऊपर, ताकि मेरी वालदा वगैरह वहाँ सेफ रहें तो खुश रहें, बस किसी तरीके से यहाँ हर इस वजह से वो वहाँ चले गए।
आप जिस इलाके में रहते थे मेमन गोट में, तो वहाँ पर क्या ये मोबाइल स्नैचिंग, ये डकैतियाँ, ये वारदातें क्या रोज़ का मामूल था या कभी 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 कभार हो जाता था? हालांकि वो डेली रेगुलर वहाँ से जो आता था, यहाँ आता था, बैठ जाता था, तो वहाँ तो कोई था नहीं, तो यहाँ आके अपने दोस्तों में बैठ के कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, डेली का उसका अकेले आता था। अच्छा, मेमन गोट से खोखरा पार वो डेली आता था? डेली आता था। मेमन गोट से खोखरा पार आना अब्दुल वाहिद के लिए गोया मामूल की बात थी। वो शहर कायद की इन शाहराहों और गलियों पर पहले भी फैमिली के साथ काम काज और सैर व तफरी की गर्ज से निकलता था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये मोटरसाइकिल और कार सवार अपनी अपनी मंजिलों की जानिब गामजन हैं। लेकिन कोई नहीं जानता कि मौत किसके ताकुब में है। बकुए के दिन क्या हुआ? ये बहन मौजूद थी वहाँ पे? ये लोग यहाँ आए थे भाई घर पे, ये थी और एक बहन और थी, घर पे बैठे थे और व्यवस्था करते कपड़े पास चलते और थोड़ा खाना ना खा के टेल भी लगा जाएंगे। ये तकरीबन 10 बजे वहाँ से घर से निकले और 10:30 बजे तक घर पहुँच गए थे। वहाँ से भी लोग 12:30 बजे उठे, बोले चलो घर चलते हैं, तो ऑफिस भी आना है। मुझे बताएंगे क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था, क्या प्लानिंग हुई थी आप लोगों ने, कहाँ जाना था? छोटे भाई के घर गए थे ऐसे मिलने। शादीशुदा आपके छोटे भाई हैं जी, उनका नाम क्या है? हामिद। हामिद अली। हामिद अली के घर आप गए, खोखरा पार आए जी, यहाँ यहाँ करीबी रहते हैं वो। आप मेमन गोट से यहाँ आए, आपने कहा चलो भाई के घर चलते हैं, वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे फिर आ जाएंगे, तो कितने बजे भाई के घर पहुँचे? 10:30 का टाइम हो जाए पहुँचोगे रात के। 2 जून को आप और आपके साथ सिर्फ कौन कौन था? मैं थी, मेरे हस्बैंड थे, मेरे तीनों बच्चे थे और बहन थी एक, और भाई अब्दुल वाहिद। और अब्दुल वाहिद थे। आप पाँचों साथ आए, तो कितनी देर बैठे वहाँ पे आप लोग? हाँ तकरीबन कोई 2 घंटे बैठे होंगे। 2 घंटे बैठे आप, सारी फैमिली साथ थी, हंसी मजाक सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद खाना खा के निकले? खाना तो हम घर से ही खा के आए थे अपने। ठीक, वैसे ही आप जरा मिलने गए थे भाई की तरफ। अपनों से मोहब्बत बांटते इस खानदान को क्या खबर थी, कोई अनदेखा दुश्मन उनकी खुशियों को तबाह बर्बाद करने वाला है। चंद रुपयों की खातिर लूट मार करने और हल्की सी मुजाहमत पर गोलियां बरसाने वालों को क्या पता कि सामने वाला किसकी कुल कायनात हो सकता है। स्ट्रीट क्राइम्स के दौरान ऐसी ऐसी खूनी वारदातें सामने आती हैं कि दिल दहल जाता है। हम कैसे भूल सकते हैं चार बहनों के अकलौते भाई कोरंगी के 18 साल नौजवान शाहजेब को, जिसके बाप के छलकते आंसू और शिद्दत गम से निढाल माँ और बहनों की हालत देखकर टीम इंकशाफ भी आबीदा हो गई। यहाँ पर मेरे सामने शाहजेब की फैमिली है, वही शाहजेब जो सिर्फ 18 साल का था, जिंदगी से भरपूर था, और ईद से सिर्फ 2 दिन पहले 28 रमजान को उसके साथ क्या हुआ कि आज वो यहाँ पर नहीं हैं। चार बहनों का अकलौता लाडला सबसे छोटा भाई शाहजेब, ये है चार बहनों का अकलौता भाई शाहजेब, जो वालिदैन और बहनों का लाडला होने के बावजूद एक जिम्मेदार लड़का था। मेहनतकश बाप के साथ घर का पहिया चलाने में पूरा पूरा साथ देता। तो मैं कभी भी अलग नहीं छोड़ता था, आधा एक घंटे के लिए भी कहीं जाता था तो मैं फौरन फोन करके मालूम करता था कहाँ हो तुम। हर वक्त उसके गार्ड में था, लेकिन 28 रमज़ान को जब मेरी जो है ना तबीयत सही नहीं थी तो उसने बोला आप जाके सहरी कर लें और आपका ब्लड प्रेशर है, आप आराम कर लें, सुबह आप आ जाइएगा। शाहजेब की अलमनाक मौत के बाद जैसे उसके वालिदैन और बहनें तड़प रही हैं, यह मनाजिर भी माहौल को सोगवार कर देने वाले हैं। मैं काम सीखूंगा, जिसकी अपनी विश थी कि मैं काम सीखना चाहता हूँ, और एक बहुत अच्छा कारीगरी बन चुका था। और कितने से पहले उसने काम करना शुरू कर दिया था? अभी 4 साल से। तो 4 साल से अपने वालिद के साथ जी। किससे ज्यादा घर में बनती थी और किससे उसकी नहीं बनती थी? घर में सबसे बहुत बनती थी, एक मुझसे मतलब बहुत ज्यादा वो था, सबसे बड़ी मैं थी बहुत ज्यादा, और सब में छोटी सिस्टर जो है इकरा, एक उससे बहुत क्लोज था। मतलब ऐसा था वो कि मेरी शादी के बाद भी मुझसे मतलब मारना मजाक मजाक में बहुत ज्यादा, मतलब बहुत क्लोज था। मैं उसको एक फ़ोन भी करती थी ना, वो कहीं पर भी दुकान पर भी क्यों ना हो, एक फ़ोन पे फ़ोन मेरे वो घर पे आता था, वो हर बात मतलब मेरे सामने हर बात मुझसे शेयर करता था। बड़ी बहनों के साथ हर बात शेयर करने वाले को उस रोज किसी को कुछ बताने का मौका ना मिला। तन तनहा बेबसी की मौत मारा गया खानदान का लाडला शाहजेब। इस वक्त मैं मुमताज साहब की उस शॉप पर मौजूद हूं जो इनकी फर्नीचर की शॉप है यहां पर, जहां पर ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें इनके बेटे की जान चली गई। मुमताज साहब, हुआ क्या था, वो दिन कैसा था, आप मौजूद थे यहां पर? सर उस वक्त मैं सहरी करने गया हुआ था। सहरी करने गया जी, मेरे बेटे ने बोला ये 28 रमजान का जो है ना वाकया है,
मेरे बेटे ने बोला आप जाओ सही कर लो, आपकी तबीयत सही नहीं है, आप सुबह आ जाना, मैं काम कर रहा हूँ। रात भर यहाँ पर काम होता रहता? हाँ, काम होता रहता था, डेली का मामला था, यानी कि रमजानों में। रमजानों में? हाँ, रमजानों में। तो हम वो अकेला हो गया था, 6 बजे 6:15 बजे यह वाकया पेश आया, नामालूम अफराद आए और उससे जो है मोबाइल छीना और उसको फायरिंग करके मार दिया। तो यहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज बनी गई, कोई कैमरा था, किसी ने कुछ देखा? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई था ही नहीं यहाँ पे, आस पड़ोस में भी लोग नहीं आए हुए थे। सुबह 6 बजे का वक्त था? जी, 6 बजे का टाइम था। और यहाँ पर फिर कितनी जल्दी से कितनी गोलियाँ लगी उसको? 2 गोली का फायर हुआ है इधर, लोग बता रहे हैं। एक तो दिमाग पे लगा है, सर पे मार दी जी जी, सामने स्ट्रेट फायर। जो नकदी वकदी होगा 1000-1500 वो भी ले गए उनके साथ। क्या कीमत होगी इस मोबाइल की? 5000 का बेचा था उन्होंने, 7000 का होगा, 5000 का बेचा उन्होंने, 5000 के लिए एक जान ले लिया उन्होंने। इस हौलनाक वाकये का पूरा अहवाल जानकर आप चौंक उठेंगे। ऐसे में भाई पर जान निछावर करने वाली ये बहनें कैसे ना तड़पें। जैसे बहन भाइयों में लड़ाई होती है, लड़ाई झगड़े छोटे मोटे नोकझोंक होती है, तो किस किस साथ ज्यादा नोकझोंक होती थी उसकी? मैं लड़ाई नहीं करता था, सिर्फ तफरी करता था, मजाक करता था। आप कोई बात शेयर करना चाहें भाई की? बस मोबाइल चार्ज पे लगा लेते थे ना हम लोग, आता था बाहर से, अपना मोबाइल चार्ज पे लगा लेता था, बस इसी बात पे हम लोग की होती थी और किसी बात पे नहीं होती थी। अच्छा, मोबाइल चार्जिंग पे कि ये मैं अभी मैं करूँगा, चार्जर मुझे दे दो जी। बस हम सबसे बड़ा अटैच था, लड़ाई भी करता था, मजाक भी करता था, मुझे हर कहीं लेके जाता था, कॉलेज भी लेके जाता था, कोचिंग भी हर कहीं मुझे लेके जाता था। मैं बहुत मिस करती हूँ, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। शहर में हर दूसरे दिन किसी न किसी घर पर कयामत टूटती है। डकैत बेधड़क आते हैं, लूट मार करते हैं और हल्की सी मुजाहमत करने वालों को भी खून के रंग में रंग देते हैं, लेकिन पुलिस क्यों महज तमाशा देख रही है? तो भाई लगता था, मेरे बड़े भाई का लड़का था वो, तो उसने आके मुझे इत्तला दिया कि आप चले, आप उसको अकेले छोड़ के आ गए थे, उसका कटर पे हाथ आ गया। हॉस्पिटल लेके गए थे? हॉस्पिटल नहीं, वो तो डेथ हो चुका था उसका। और घर में किसी को कुछ इल्म नहीं था क्या? नहीं, इन्हें 7:30 बजे मैं यही बोल के गया था, उसके कटर पे हाथ आ गया, मैं जाके देखता हूँ क्या हादसा हुआ क्या नहीं हुआ, फिर आप लोगों को इत्तला दूंगा। तो ये इत्तला फिर इनको मैं वापस आ कर दिया। जब आपको ये पता चला, जो बताया गया आपको कि बेटे का हाथ कटर में आ गया, तो आपके जहन में क्या था, आप क्या सोच रही? मैं तो बोली थी कतर जा रही हूँ मैं, तो इन्होंने बोला नहीं अभी मत जाओ, पहले पापा आ जाएंगे फिर जाना। उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं। इकलौता मेरे घर का चिराग था, उसको चिराग ही बुझा दिया उन लोगों ने, तो आप उन लोगों को सजा दें मौत के बदले मौत। कितनी बेरहमी के साथ शाहजेब को उतारा गया मौत के घाट। जाए वकुआ पर वारदात का अहवाल जरा गौर से सुनिए और देखिएगा। आपको कैसे इत्तला मिली, आपको कब खबर हुई? सर यहाँ से रागीर जा रहे थे, एक मैयत हो गई थी सामने, तो वो जनाजे में जा रहे थे, तो बच्चा बैठ के गेम खेल रहा था, उसका रेस्ट कर रहा था। जब वापस आए तो बच्चा नज़र नहीं आया, तो उन्होंने देखा कि कोई नज़र नहीं आ रहा दुकान में, जब देखा तो ये हादसा हुआ हुआ। और कहाँ पे उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी? डेड बॉडी उसके सामने पड़ी हुई थी, सामने। हाँ, सामने वो ऐसे ही बैठ कर मोबाइल खेल रहा था, उन्होंने उससे जो है ना मोबाइल छीना और उसको जो है ना फायर करके मार दिया। यहाँ पर इनका बेटा शाहजेब जो है, जो कि 18 साल का था, सहरी के बाद यहाँ पर बैठ के वीडियो गेम खेल रहा था, और यहाँ से कुछ अफराद गुजरे हैं, कोई मैयत थी जानने वाले थे, वो यहाँ से गुजरे, उन्होंने बैठे हुए शाहजेब को देखा है। जब वापस आए तो उनको शाहजेब नज़र नहीं आया और दुकान खाली पड़ी हुई थी, तो उन्होंने जब अंदर आके देखा तो शाहजेब की डेड बॉडी यहीं पर पड़ी हुई थी, और ये आपको गोली का निशान नज़र आ रहा होगा कि उन्होंने सिर्फ 5000 के मोबाइल के लिए उस बच्चे के सर पे गोली मार दी, और वो तड़प तड़प के यहीं पे, जारी बात है, कोई सहरी के वक्त था, सहरी के बाद का वक्त था, दुकानें सारी बंद थी, और नॉर्मली आपने देखा होगा कि सहरी के दौरान जो इस तरह काम होता है, क्योंकि एक लकड़ी का काम यहाँ पर हो रहा होता है, तो वो अफ्तारी से सहरी तक के दरमियान आप लोग किया करते होंगे काम, तो ये वजह थी कि वो रमज़ान के महीने में रात को काम करते थे, रोज़े के रख के काम होता नहीं था, तो वो यहाँ पर बैठा हुआ गेम खेल रहा था, और यहीं पर आए हैं, उसके सर पे बंदूक रखी, उससे मोबाइल छीने, अपना जाने उसे मुजाहमत की, क्या किया कि उसको सर के बीच में गोली मार दी मुमताज़ साहब के बेटे को। ऐसे कई दुख भरे खूनी वाकयात हमारी आंखों के सामने हैं, ये वारदातें एक बार फिर सर उठा रही हैं। कैसे मेमन गोट के नौजवान अब्दुल वाहिद को बेदर्दी के साथ किया गया हलाक? क्या महज एक मोबाइल की खातिर नौजवान को उतारा गया मौत के घाट? खून में लथपथ नौजवान ने खुद एम्बुलेंस को मिलाई कॉल। ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
नदी क्रॉस करी हो, थोड़ा सा आगे गए, सन्नाटा वाला एरिया आया, जैसे ही एकदम से कहीं से आए हो पीछे से, खून में इतना लथपथ के वो फैसला नहीं कर पाए थे, एक पट्टी मानेगा जाने लगे, जाते जाते उन्होंने फायर कर दिया अब्दुल वाहिद पे। अब्दुल वाहिद ने खुद एम्बुलेंस का फोन किया बुलाने के लिए। और फिर वहाँ से वापसी पे जब घर की तरफ रवाना थे तो क्या हुआ? नदी क्रॉस, हम घर जा रहे थे, सही जा रहे थे बिल्कुल, नदी क्रॉस करी और फिर बातें करते हुए जा ही रहे थे, नदी क्रॉस करी और थोड़ा सा आगे गए, सन्नाटा वाला एरिया आया, जैसे ही एकदम से कहीं से आए हो पीछे से। तो आप लोग किसके ऊपर पैदल थे? नहीं नहीं, बाइक पे थे हम। आप लोग दो बाइकों पे थे? दो बाइकों पे थे और एकदम नदी के करीब जब आप पहुँचे हैं, नदी क्रॉस कर ली थी, कर ली थी, वहाँ पे आबादी नहीं थी, नदी के बाद थोड़ी सी आबादी, मगर उसके बाद फिर शुरू हुआ था सन्नाटा। स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस अफराद आम तौर पर ऐसी ही जगहों का इंतखाब करते हैं क्योंकि जो सड़कें और गलियां कदरे सुनसान होती हैं, वहां वारदात करना इन लुटेरों के लिए आसान हो जाता है। यही वजह है कि मोटरसाइकिल सवारों या पैदल राहगीरों को चाहिए कि ऐसी जगहों से अकेले गुजरते हुए एहतियात करें, चौकन्ने रहें और खतरा ज्यादा महसूस करें तो रास्ता बदलने में ही दानिशमंदी है। याद रखें, आपकी ये एहतियात आपको किसी बड़े माली और जानी नुकसान से बचा सकती है। कौन आया? फिर दो बाइक आई, एक पे दो लड़के थे, एक पे एक, हाँ। उन्होंने हमें रोक लिया फौरन आके। तो उनके चेहरे आपने देखे कोई? नहीं, चेहरे नहीं देखे। मास्क वगैरह? मास्क पहने। ठीक, फिर ये तीन, यानी तीन लड़के आए दो बाइकों पे, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा वॉलेट निकाले, मेरे हस्बैंड से का मोबाइल जो निकाले, अब्दुल वाहिद से भी यही कहा उन्होंने, और जब वो ले लिया उन्होंने, तो लेने के बाद जब वो जाने लगे, जाते जाते उन्होंने फायर कर दिया अब्दुल वाहिद पे। तो आपके हस्बैंड ने भी अपना मोबाइल दे दिया, वॉलेट दे दिया, अब्दुल वाहिद ने भी शुरू में दे दिया था? दे दिया था, सब दे दिया था, दे दिया। तो क्या वो खवातीन से ज्वेलरी वगैरह भी छीनने की कोशिश की? मांगी थी मगर थी नहीं, तो फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे, फिर कुछ नहीं कहा। तो क्या अब्दुल वाहिद ने मुज़ाहमत की थी कोई? नहीं, कोई मुज़ाहमत नहीं की, किसी ने भी कोई मुज़ाहमत नहीं की, किसी ने कोई मुज़ाहमत नहीं की, तब भी उन्होंने गोली जी। जिस अफाकियत और दरिंदगी की इंतहा है कि मुज़ाहमत ना करने पर भी इन भेड़ियों ने गोली चला दी, गोया उन्हें कानून का कोई डर ना था। वो जो गोली है वो कहाँ लगी आपके भाई के? तो यानी वो साइड से मारी उनको जी, जाते जाते जी। और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सन्नाटा था, हमने बहुत शोर मचाया कि कोई आए मदद करें, हेल्प करें, क्योंकि मोबाइल भी चले गए थे आप, और आप एक ऐसे वीरान इलाके में खड़े थे जहाँ पे कोई भी नहीं था जी। तो फिर वो मोबाइल अब्दुल वाहिद ने ही देखा था, कहने लगे मोबाइल पड़ा हुआ मेरा वहाँ पे, उन ले गए थे, उनसे गिर गया या उन्होंने फेंका ये हमें नहीं पता, वो अब्दुल वाहिद को नज़र आया था, कह रहे मेरा मोबाइल पड़ा हुआ वहाँ पे आगे ज़रा सी दूर फासले पे ज़रा सा, तो वो मोबाइल उठाया। यह है वो मनाजिर जब अब्दुल वाहिद को गोली लगी, अगरचे वो खून में लथपथ था लेकिन ये बाहिम्मत नौजवान अभी भी होश में था। यह है वो मंजर जब उसने खुद अपने गिरे हुए मोबाइल की तरफ इशारा किया और वो मोबाइल उठाकर उसे पकड़ाया गया। उससे हमने सबको कॉल की, भाइयों को, तो पहुंच गए थे, मगर वो लोग आए, वो बस वीडियो बना रहे हैं, और फिर हमें, मेरे भाई वगैरह आ गए थे, तो फिर हमें, मेरे हस्बैंड हमें घर छोड़ के आ गए थे, बच्चे थे हमारे साथ, फिर उसके बाद ये लोग मोबाइल आ गई वो गाड़ी में डाल के ले गए उन्हें। जब ये वाकया हुआ, आपके भाई को गोली लगी और मोबाइल भी आपको मिल गया, तो आपके जो हस्बैंड थे उन्होंने अब्दुल वाहिद को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश नहीं की? भाई कोशिश की थी, अकेले थे मगर फिर भी कोशिश की, आवाज़ें लगाई सबको, कोई आए, क्योंकि बच्चे भी थे, दो लेडीज़, तीन बच्चे छोटे छोटे, फिर हमने बहुत कोशिश की, उन्होंने भी बहुत आवाज़ लगाई, लोगों को बुलाया, फ़ोन किया, फिर भाई आ गए थे, वो यही कोशिश कर रहे थे किसी तरह से हॉस्पिटल ले जाएं। यही बात है, वो एक वीरान इलाका था, वहाँ पर अपनी बीवी बच्चों को भी वैसे नहीं छोड़ सकते थे, साथ में जो उनके साले थे वो भी गोली से ज़ख्मी हुए हुए थे और उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो इसको क्या करें, तो उन्होंने कॉल वगैरह घुमाई कि कोई मदद कहीं से आ जाए। तो कितनी देर में आप, कितनी देर में पहुँचे वहाँ पर? आप नहीं पहुँचे, दूसरे भाई पहुँचे? अच्छा, वो दूसरे भाई जिनके घर आप गए हुए थे वो वहाँ पहुँच गए? नहीं नहीं नहीं, जो साथ रहते ना घर, जो अब्दुल वाहिद के साथ रहते थे ना भाई, हाँ, वो पहुँच गए थे, क्योंकि हम घर पहुँचने वाले थे, घर नज़दीक रह गया था। अच्छा, घर नज़दीक था, घर से कितनी दूर थे आप लोग? घर से कोई 5 मिनट का रास्ता होगा बाइक पे, 5 से 6 मिनट। अच्छा, घर से 5 मिनट के फासले पर ही आपके साथ हुआ? बाइक से 5-6 मिनट का रास्ता, वैसे थोड़ा देर लगेगी पैदल। ठीक है, तो फिर वहाँ पर कितनी देर आप लोग रुके, मतलब कितनी देर लग गई सारे मामले में, या पुलिस पहुँचने में कितना वक्त लगा?
पुलिस हमारे जाने के बाद ही आई है, मैं तो चली गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने चले गए थे, भाई आ गए थे तो कहने लगे तुम बच्चों को लेके इनको घर पे उतारो, और वो मेरे भाई के उस वक्त आपको ये टेंशन होगी मैं अपने बच्चों को महफूज करूँ, क्योंकि माँ के घर में तो ये होता है कि मेरे बच्चे इस वक्त महफूज हो जाए, और अभी इतना गोली सन्नाटा था, वहाँ कोई लेडीज थी ना कोई नहीं, जेंट्स सारे सिंधी, और हम उर्दू स्पीकिंग थे, किसी की जबान जानते नहीं थे। अजब बेबसी का आलम था, घर से 5 मिनट की दूरी पर औरतों और बच्चों के साथ होने वाली इस डकैती के बाद लुटेरों ने जिस तरह नौजवान अब्दुल वाहिद पर गोली चलाई और फिर हर तरफ खून ही खून था, वो लम्हात याद करके अब भी इन सब की आंखें भर आती हैं। अच्छा, तो फिर जब ये सब सारा कुछ हो गया तो आप पहले वहाँ से निकल आए, फिर उसके बाद आपके दूसरे भाई वहाँ पर पहुँचे जो भाई पहुँच गए थे हमारे निकलने से पहले, पहुँच गए थे तो उस वक्त तक जो अब्दुल वाहिद होश में थे बात कर रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर वो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के आ गए थे घर पे, उसके बाद मुझे नहीं मालूम, फिर ये लोग हॉस्पिटल लेके गए थे, पुलिस वाले आ गए थे वो मोबाइल में डाल के ले गए। तो एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंची? अब्दुल वाहिद ने खुद एम्बुलेंस को फोन किया, उन्होंने गोली लगी थी, उन्होंने खुद एम्बुलेंस को फोन किया, माशाल्लाह बड़ा एक्टिव था वो, और जो है बात कर रहा था बाकायदा, बोला था मुझे यहाँ ऐसे मुझे यहाँ गोली लगी है, मुझे उठाओ, उसको हिम्मत करके थोड़ा पीछे गए खुद बाकायदा, मुझे खून में इतना लत पत के वो फैसला नहीं कर पाए थे, एक पट्टी मानेगा, इतना खून फेंके था, इतना खून तो खून ही खून नजर आ रहा जिसमें खून में था, फिर समझ में नहीं आ रहा, वो लोग जो लोग जमा हुए थे ना वो फैसला नहीं कर पाए थे कि इसकी पट्टी बांधेगा। अब्दुल वाहिद खून में लथपथ था, लेकिन ये भी सच है कि वो होश में था, उसने खुद एम्बुलेंस को कॉल मिलाई, उसने खुद बताया कि उसका मोबाइल कहाँ गिरा हुआ है। यहीं पर सवाल ये उठता है कि फिर आखिर ताखीर कहाँ पर हुई, किसने किया गफलत का मुजाहरा कि अब्दुल वाहिद जान की बाजी हार गया, कैसे बचाई जा सकती थी अब्दुल वाहिद की जान, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं मिली उन्हें, अगर उसमें भी मिल जाती तो शायद बच जाता। FTC बिल्डिंग पे उसने हाथ पांव छोड़ दिया, बोला भाई मेरे साथ नहीं, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। एम्बुलेंस पे कोई ऑक्सीजन वगैरह का इंतजाम नहीं था, दिल तो ऐसा जा रहा सामने हो तो गोली मार दो। इस चक्कर में फिर लेट हो गया, मोबाइल आई, मोबाइल में उसको डाल के अल्तबरी ले गए, फिर मैं वहाँ पहुँचा अल्तबरी, वहाँ से फिर मैं उसको डाल के सीधा जिना गए, पर रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। आपने जब अलकबीर हॉस्पिटल आए जो कि यहाँ पे करीब, वहाँ से निकल ही रहे थे मतलब मैं, तो उस वक्त होश में थे वो? हाँ, उस वक्त भी जिना हॉस्पिटल ले जाते वक्त भी होश में थे। आधे से तक यहाँ से कार तक तो तकलीफ में, गोली जो थी वो निकल गई थी, अंदर ही थी, निकल गई थी यहाँ से, मतलब कि यहाँ से फाड़ा। फिर आप रास्ते में जब कहाँ पहुँचे जिना अस्पताल के रास्ते में? FTC बिल्डिंग पर उसने हाथ पाँव छोड़ दिया, बोला भाई मेरे साथ नहीं, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, भाई मुझे ऑक्सीजन, मैम माशाल्लाह वो हमने विर्द करते रहो, हाफिज भी था वो माशाल्लाह, हाफिज कुरान भी थे वो, हाँ वो हिफ्ज करता मतलब विर्द करता रहा। कोशिश पूरी की गई अब्दुल वाहिद की जान बचाने की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब्दुल वाहिद की फैमिली ने दौरान इंटरव्यू किया एक और चौंका देने वाला इंकशाफ। एम्बुलेंस में कोई ऑक्सीजन वगैरह का इंतजाम नहीं था, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं मौजूद थी, उसमें कोई कुछ वो नहीं थी, उसमें भी थोड़ी ट्रीटमेंट। जबकि आपने एम्बुलेंस अस्पताल से ली है, अस्पताल से आप दूसरे अस्पताल में लेके मुंतकिल कर रहे थे ना, उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं मिली उन्हें, अगर उसमें भी मिल जाती तो शायद। नहीं, बड़ी अजीब बात है, क्योंकि जब एक क्रिटिकल सिचुएशन में कोई पेशेंट आता है, स्पेशली जब किसी के साथ ऐसा कोई वाकया रूनुमा हो जाए, तो फिर जिस अस्पताल में उनको पहली तिबी इमदाद दी जाती है, उसके बाद जब उनको ट्रांसफ़र किया जाता है तो किसी अच्छी एम्बुलेंस में किया जाता है, ताकि उनकी ऑलरेडी सिचुएशन क्रिटिकल है, अगर रास्ते में मज़ीद ख़राब हो तो उनको तिबी इमदाद दी जा सके। और ये कह रहे हैं कि जो वो आई थी एम्बुलेंस, जिन्होंने खुद ही मंगवाई थी, वो उसमें कोई भी किसी भी किस्म के जो थे इस तरह के तिबी आलात मौजूद ही नहीं थे, क्योंकि जब उनका सांस रुकने लगा और उन्होंने कहा कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, तो उस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। इस गफलत का मुजाहरा ना किया जाता तो शायद अब्दुल वाहिद की बहनों को ना मिलती ये अलमनाक खबर। फिर आपको कब इतला मिली कि आपके जो भाई जिनके साथ अभी हंसते बोल रहे थे आप एक घंटा पहले और आप ऐसे गए हुए थे उनको? दो ढाई का टाइम था जब खबर मिली कि उनकी डेथ हो गई। अब एक और बहुत अहम सवाल है, वो ये कि ये इनका आबाई घर है जहाँ पर ये खोखरा पारे मौजूद हैं, लेकिन ये जो वाक़ जहाँ पर अब ये रिहाइश पजीर थे वो है मेमन गोट का। मेमन गोट छोड़ के आप लोग यहाँ पर क्यों आए, किस चीज़ से आप खौफजदा हैं, क्या हुआ? असल में अब वहाँ कुछ भी नहीं रहा, वो भाई कमाने अकेले वही कमाता था, वही किराया देता था, और कोई भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता,
कोई अफोर्ड नहीं कर। आपके घर का जो मेन सरबराह थे, चलाने वाले थे, वो आपके भाई थे? हम अपने उनको बोले गए थे, हम अपना घर खुद चलाए थे। और वो जब हालांकि वो मकान मालिक इतने अच्छे हैं, बोले आप यहाँ रहो, कितना किराया रहो, फिर हमने नहीं, वो अपने घर में रहो, जैसी भी परेशानी है बस गुजारो। ज़ालिमों ने घसते बसते घर को बर्बाद कर दिया। मुज़ाहमत ना होने के बावजूद भी क्या लुटेरे नशे में थे? क्या वाकई सिर्फ एक मोबाइल की खातिर अब्दुल वाहिद को बनाया गया निशाना? मौके पर पहुंचने वाले भाई ने देखा क्या मंजर, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी जो बाइक पे लेके जाए। वो लोग नशे में होते हैं, उनको रिश्ते कोई तो रुका नहीं होता। दिल तो ऐसा चाह रहा है सामने हो तो गोली मार दो। इस वक्त अब्दुल वाहिद के दूसरे भाई साजिद मेरे साथ मौजूद हैं, और साजिद वो हैं जो आपने वीडियो मुलाहिजा की उसके बाद जब पहले पहुंचते हैं, सबसे पहले क्योंकि इनका घर करीब था, ये अब्दुल वाहिद के साथ ही मुकीम थे, तो ये वहाँ पे सबसे पहले पहुंचे तकरीबन 5 मिनट के अंदर। तो इन्होंने क्या देखा, नहीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साजिद जब आप वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर क्या हालात थे, क्या आपने देखा? वहाँ पर देखा तो भाई हमारा खून में लथपथ था, तो अब क्या नाम है, हेल्प के लिए आए तो काफ़ी देर हो चुकी थी। और वहाँ पे और लोग भी मौजूद थे? काफ़ी लोग मौजूद थे तकरीबन, वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। नहीं, वहाँ पे कितने लोग मौजूद थे? 10-12 आ गए थे। 10-12 लोग आ गए थे, तो उनमें से किसी के पास गाड़ी नहीं थी, किसी ने कोशिश नहीं की कि इनको फौरन अस्पताल पहुँचाया जाए, कोई आगे बढ़े मदद के लिए? गाड़ी किसी के पास ही नहीं थी, बाइक थी, बाइक तो मेरे पास भी थी, तो उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी जो बाइक पर लेके जाए। बाइक पर ले जाने वाली कंडीशन नहीं थी, आपको गाड़ी ही वहाँ पर चाहिए। फिर मोबाइल आ गई थी, मोबाइल में डाल के ले गए थे अल्टीब्री। तो कोई बात जो आप क्योंकि अस्पताल लेके गए, तो फिर क्या डॉक्टरों के पास जब लेके गए भाई को, डॉक्टर्स ने क्या कहा उस वक्त? डॉक्टरों ने उसको मतलब खून बंद करने की कोशिश करी, नहीं हुआ, फिर हम जिना ले गए थे। फिर आप जिना ले गए? जिना ले गए। जिना ले जाने के बाद फिर रास्ते में उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अब्दुल वाहिद कब तक मौत से लड़ता रहा, जिंदगी की बाजी हार गया, सबको रोता छोड़ गया। आपके ख्याल में वो जो मोबाइल छीन के गए, कितना आप लोगों का कितना नुकसान हुआ होगा? माइक में बोलिएगा। नुकसान का मुझे नहीं पता, उनके कितने पैसे थे क्या था मुझे कुछ नहीं पता उनके वॉलेट में, बस इतना पता है कि मोबाइल और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उस जालिम इंसान ने कितने पैसों के लिए किसी की जान ले ली। पैसे तो खैर इतने ही थे, हमारा बहुत बड़ा खून हो गया, पैसे तो खैर नहीं थे। वही मैं कह रहा हूँ कि उसने उसको क्या मिला होगा? वो लोग बकौल उनके के वो लोग नशे में होते हैं, उनको कोई तो रुका नहीं होता, बकौल उनके के उस नशे में भरे होते हैं, उनको ये नहीं पता किसी की माँ किसी बहन के, उनको इस चीज़ कोई ताल्लुक नहीं होता। तो अपना उन्हें ये ख्याल नहीं था कि वो जिस इंसान की जान लेने लगे हैं, उसकी बहनें साथ में खड़ी हैं, उसके भांजे भांजियाँ साथ में खड़े हैं, बाकी लोग वहाँ पर हैं, और उन्होंने सिर्फ एक मोबाइल की खातिर जो है एक इंसान की जान ले ली। और यकीनी तौर पर ऐसे लोग जो इतनी सी अपने फ़ायदे के लिए किसी की जान लेते हैं, वो किसी भी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं हैं, और उन्हें करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, बल्कि ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि उन्हें निशाने इबरत बनना चाहिए। इस सवाल से लेजिस्लेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि कराची वाले तंग आ चुके हैं ये मोबाइल छीनने से और उसमें बेगुनाह जाने देने से। कराची वाले बहुत जाने गंवा चुके, खून की नदियां बह गईं, खुदा खुदा करके अब अमन बहाल हुआ है, उरूसुल इबाद कराची की रोशनियाँ और रौनकें लौट रही हैं, लेकिन लगता है अमन के दुश्मनों को ये सब किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातें यकीनी तौर पर दस्तक है इस खतरे की, जिसे आगाज़ में कुचलना तो आसान होता है लेकिन बाद में वो काबू से बाहर हो जाती हैं। आप क्या कहती हैं, क्या होना चाहिए आपके भाई के कातिलों के साथ? सज़ा मिलना चाहिए। आपको उम्मीद है कि सज़ा मिलेगी, कोई पुलिस पकड़ लेगी, कोई बंदा कोई ट्रेस किया इन्होंने आपके भाई के कातिलों को? ढूंढ तो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है, उम्मीद है आपकी अपनी, मैं भी आपकी अपनी सोच क्या कहती है इस बारे में? असल में हम बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, हम टेंशन में पढ़ने जा रहे मस्जिद। टेंशन में नहीं पढ़ना, आपके भाई की जान चली गई, आप चली गई ना, आप मस्जिद दूसरा नहीं आ सकता, अब हम दूसरी मस्जिद टेंशन में नहीं गुजर नहीं रह सकते। अभी छोटे ये माइक दे दें, दादी को माइक दीजिए, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं अब ये। हाँ, इनके बच्चों के काम धंधे लेंगे, बेचारे मेहनत करते हैं अपने बच्चों के पेट पालते हैं, और फिर भी उसमें इतने कुछ फ़ायदे नहीं है। आप कह रही हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे, पुलिस के तारे चक्कर काटेंगे, तो अपना खाएं कमाएंगे कैसे? जी, इतने गरीब बेचारे इनके अपने, मैं कहती हूँ कि बहुत घर की कंडीशन देख लें, इससे कितना इनका हाल
वो है। बीवी बच्चे पता नहीं किस तरह पाल रहे हैं, मेहनत करते हैं, पापड़ तलना, भरना, फिर दुकानों पे देना, सेल में नहीं करना। एक वही वाहिद बच्चा अच्छा था जो अल्लाह के घर चला गया। हमारा भी कलेजा फट फट के बाहर आ रहा है कि ऐसा हुआ कैसे। यानी अब्दुल वाहिद वो था जो सबसे अच्छे पैसे कमा रहा था, सारे घर वालों को सपोर्ट कर रहा था, घर उसने बड़ा लिया हुआ था, सबका ख्याल रख रहा था। हाँ जी। और वही चला गया। वही चला गया। अब ये दो भाई शादीशुदा हैं, गरीब हैं बेचारे, मेहनत मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने बीवी बच्चों का पाल पेट बहुत मुश्किल से पाल रहे हैं। और आजकल जो सब चल रहा है कोरोना की वजह से, सारा लॉकडाउन है, सारे मसले खत्म हुए सब। लेकिन फिर ये कैसे होगा? फिर तो आपके घर के तो एक फर्द की जान चली गई आपके, आप जैसे बता दिल तो ऐसा चाह रहा है सामने हो तो गोली मार दूं, ऐसा दिल चाह रहा है, मगर सामने नहीं है। ऐसा कभी हमने सुना ही नहीं, कभी देखा नहीं, पहली दफा ये ऐसा सुना है, कभी ऐसा नहीं हुआ। औरों का सुनते रहते थे, वहाँ गोली मार दी, वहाँ ये हो गया, वहाँ पर बस सुन सुन के दिल हिलते थे हमारे तो। लेकिन यही तो कराची में रहते रही तो पता नहीं चलता कि जो हम कहानी सुन रहे होते हैं हम खुद कब कहानी बन जाए, हमें यही नहीं पता होता। जैसे ने कहा कि हम हमेशा सुनते आए थे, लेकिन अब ये खुद इस वक्त इनके साथ ये सानहा रूनुमा हो चुका है। लेकिन मेरा यही कहना है कि कराची ने बहुत अरसा खौफ में गुजारा है, बहुत अच्छा खौफ में गुजारा है। और जैसे इस फैमिली का कहना है कि भाई अब हम क्या करें, हम अपना पेट पालें या हम थानों के कचहरियों के चक्कर लगाएं, ये भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे पीछे हट जाएंगे और उनको खुली छूट दे देंगे तो वो तो और दंदनाते फिरेंगे, ऐसे ही और अब्दुल वाहिद की जान लेंगे। तो इसमें जो है हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये स्पेशली स्नैचिंग है या ये डकैती है, इसके हवाले से लेजिस्लेशन इतनी सख्त होनी चाहिए, और जब कोई पकड़ा जाए तो उसे करार बाकी सजा भी मिलनी चाहिए। उस वक्त वो लूटा मारी करते हैं, उस वक्त कोई नहीं आता, उस वक्त कोई नहीं आता, सब दूर भागते हैं जब वो लूटा मारी करते हैं लोगों को, उस वक्त पकड़ना चाहिए बस। सब आप जैसे आपके साथ तो ये सानहा हो गया, फिर भी आप डर रहे हैं, तो वो लोग तो सामने देख के वैसे ही डर जाते हैं। ये जो खौफ है गोली के आगे सब डरते हैं, गोली के आगे सब डरते हैं, सही बात है। तो ये जिनके हाथों में गोली है इनको ऐसे अंजाम तक पहुंचाना होगा, इन्हें ऐसी इबरतनाक सजाएं देना होंगी कि आइंदा जो ये पाकिस्तानी शहरी हैं, जो कराची की आवाम है, ये इस तरह इन जालिमों से ना डरे जो सिर्फ अपने छोटे से मवाद की खातिर किसी की भी जान लेने से दरियाग नहीं करते। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका बात करने के लिए। अल्लाह करे किसी को ये दुख ना देखना पड़े इसका सामना इस ख़ानदान को है। अल्लाह करे कराची का अमन बरकरार रहे। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।